मैं कीर्ति परोहा, क्लास 12 बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपकी सेकेंड यूनिट के थर्ड लेसन एवोल्यूशन अर्थात विकास वाले पार्ट से। किस प्रकार से मानव जाति या अन्य जीव जंतुओं का उद्भव हुआ और किस प्रकार वो निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक पहुंच पाए, तो इसके बारे में जो भी है वो इम्पोर्टेंट नोट्स मैं आपके लिए लाई हूँ। आप इसको बहुत अच्छे से नोटबुक में नोट करिए और इसको एक दो बार पढ़िए। लेकिन इनको समझने के पहले आप अपनी बुक का लेसन बहुत अच्छे से रीड करिए एक से दो बार। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पृथ्वी ब्रह्मांड की एक कणिका मात्र, मतलब ब्रह्मांड बहुत विशाल है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में हमें बिग बैंग सिद्धांत से जानकारी मिलती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमैत्रे ने 1927 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार 200 बिलियन वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणविक इकाई के रूप में था। उस समय यह अति सघन एवं ऊष्म अवस्था में था। उस स्थिति में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण एक महाविस्फोट हुआ, जिससे अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विखंडित पदार्थों के विलगाव के साथ फैलाव शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। मतलब इसमें यह कह रहा है, बिग बैंग धमाका आप क्लास 10th में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके, कि एक बहुत महाविस्फोट हुआ जिसके कारण समूचा ब्रह्मांड जो है आज भी फैलता जा रहा है। सेकंड हम देखें, सेकंड पॉइंट, एक सामान्य धारणा के अनुसार अंतरिक्ष स्वयं भी अपनी आकाश गंगाओं सहित विस्तृत होता जा रहा है। एक कॉमन जो चल रहा है फैक्ट की क्या, कि जो अंतरिक्ष है, यूनिवर्स है, वो आज भी जो उसमें निहारिकाएं, गैलेक्सीज वगैरह हैं, वो आज भी फैलती जा रही हैं। फैलाव के कारण ब्रह्मांड का तापमान क्रमशः कम होता गया। कुछ समय बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें बनी। ये गैसें गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घनीभूत हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का गठन हुआ। इसके माध्यम से गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। पृथ्वी की रचना 4 to 5 बिलियन वर्ष पहले हुई। यह सौरमंडल का एक ग्रह है, जो खुद मिल्की वे नामक आकाश गंगा का सदस्य है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जल, वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया आदि गैसें धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से निर्मुक्त हुई। ये सब आप बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार इसको अपन रिकॉल कर रहे हैं। पृथ्वी जब और ठंडी हुई, तब जल वाष्प बरसात के रूप में बरसता रहा और गहरे स्थानों पर क्या बने, महासागर की रचना हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद, अर्थात 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति मानी गई है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संबंधित कई सिद्धांत बताए गए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर बाहरी ग्रहों से जीवन इकाई या स्पोर के रूप में धूल कण के द्वारा धूम केतु पर चिपक कर आया, जो यहाँ जीवन की शुरुआत का कारण बना। इसे पेनस्पर्मिया सिद्धांत कहा जाता है। इसकी विस्तृत व्याख्या स्वांते आहिरनिस ने की थी। लोगों ने ये माना कि जीवन, जो जीव आए पृथ्वी पे, कहाँ से आए, ये प्रश्न उठा। तो लोगों ने ये माना कि नहीं, किसी दूसरे बाहरी ग्रहों से वो कण चिपक करके यहाँ आ गए और उन्होंने यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की। इसको पेनस्पर्मिया थ्योरी कहा जाता है। काफी समय तक यह माना जाता रहा कि जीवन क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री जैसे भूसे, कीचड़ आदि से प्रकट हुआ, और इसे स्वतः जनन का सिद्धांत के नाम से जाना। लोगों ने क्या बोला कि भूसे में अगर हम गीली कमीज को रख दें तो अपने आप उसमें से कीटाणु या जीवाणु उत्पन्न होने लगते हैं, कीड़े उत्पन्न होने लगते हैं, और यह स्वतः जनन का सिद्धांत माना गया। बाद में स्वतः जनन सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। इस संबंध में लुई पाश्चर ने प्रयोग से सिद्ध किया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, ना कि स्वतः जनन द्वारा। आपको याद है लुई पाश्चर का एस शेप का एक फ्लास्क था, उसमें उसने ये प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, पृथ्वी की आदि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में 1924 में रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ओपेरिन एवं जेपीएस हेल्डेन ने स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हुए मिलते जुलते विचार दिए। अब यहाँ पर ओपेरान और हेल्डेन की जो परिकल्पना और जो उनका प्रयोग है, बहुत सर्वमान्य है। इसको
इसको देखते हैं क्या था ये। ओपेरान के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति क्रमबद्ध रासायनिक तरीके से कार्बनिक अणुओं से आद्यरस प्रिमोर्डियल सूप में हुई। उसके अनुसार जीवन का पहला स्वरूप प्रतिकृति लक्षण वाले कार्बनिक पदार्थ से विकसित हुआ होगा। उसके अनुसार ये कार्बनिक अणु इकट्ठे होकर एक तंत्र के रूप में जीव की नींव रखे होंगे, जो पूर्व कोश की अवस्था होगी, जिसे कोसर्वेट कहते हैं। परंतु प्रतिकृति एवं अणुओं का विकास अकार्बनिक अणुओं से हुआ होगा, यह पृथ्वी के आद्य वातावरण में संभव था। ओपेरन ने क्या कल्पना दी और क्या प्रयोग से सिद्ध किया कि जो जीव की जो पहली उत्पत्ति हुई थी वो कार्बनिक पदार्थों के सही रूप से एक निश्चित अनुपात में नियंत्रित होने से कार्बनिक अणु इकट्ठे हुए और उन्होंने पूर्व कोश की अवस्था बनाई, जिसको कोसर्वेट कहा, दैट इज इंपॉर्टेंट बच्चों। और बाद में जो भी अन्य अणु जीवन के लिए आवश्यक थे वो अकार्बनिक अणुओं से निर्मित हुए। लेकिन ये सब कब संभव था? जब पृथ्वी उस समय आद्य वातावरण में थी और उन्होंने प्रयोग के द्वारा वैसा वातावरण उत्पन्न किया। पृथ्वी की आद्य वातावरणीय अवस्था उच्च ताप युक्त ज्वालामुखी तूफान वाली तथा वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया व वाष्प को अमेरिकी वैज्ञानिक SL मिलर ने अपने प्रयोगशाला में पैदा किया। उन्होंने बंद फ्लास्क में निहित मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 1800 सेंटीग्रेड पर ताप के साथ एक विद्युत डिस्चार्ज कर देखा कि अमीनो अम्ल बनते हैं। अब मिलर का प्रयोग इंपॉर्टेंट क्या था कि उन्होंने खुद लैब में ही ऐसा ऐसा वातावरण पैदा किया जो कि आद्य वातावरण था, और उन्होंने देखा कि इससे अमीनो अम्ल बनते हैं। ठीक इसी प्रकार नाइट्रोजनी क्षारक शर्कराओं तथा वसा आदि का निर्माण भी किया, और उन्होंने जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं, बेसिस हैं, शुगर्स हैं, सारे लिपिड्स हैं, उनका भी निर्माण किया, जो कि क्या थे, जीवन की अवस्था के लिए बिल्कुल बृहद अणु के रूप में कार्य करते रहे। जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप 3 अरब वर्ष पूर्व पैदा हुआ माना जाता है। शायद ये प्रथम स्वतः प्रतिकृतिक्षम चयापचय कैप्सूल के रूप में रहे होंगे। ये RNA प्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड से बने होंगे। मिलर ने क्या किया, मिलर ने बिल्कुल न्यूक्लिक एसिड जैसे बेसिस, शुगर वो सब बना लिया। उन्होंने ये सिद्ध कर लिया कि प्रयोगशाला में हमने जीवन में जो संगठन वाले अणु हैं उनका निर्माण कर लिया। नेक्स्ट देखें बच्चों, सर्वप्रथम कोशिकीय प्रकार का जीवन रूप लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व विकसित हुए होंगे। ये कदाचित एक कोशिकीय होंगे, सबसे पहले एक कोशिकीय प्राणी का। उस समय ये जलीय वातावरण में पैदा हुए होंगे। इस एक कोशिकीय जीवन के प्रथम प्रतिनिधियों ने क्रमबद्ध विकास किया। आज के जटिल जैव विविध जीवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रक्रिया को उद्विकास या एवोल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, जो विकास हुआ एक कोशिकीय जीव से लेकर आज उच्चतम स्तर के जो जीवधारी हैं उसके में क्या हुआ, क्रमबद्ध विकास हुआ। सीरियली उसमें क्या हुआ, विकास पैदा हुआ, जिससे इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया उन्होंने, उद्विकास या एवोल्यूशन नाम दिया। उनका मानना था कि सर्वप्रथम जीव जो है वो पानी में या जल में उत्पन्न हुआ। उद्विकास संबंधी सबसे पहले प्रामाणिक सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया। इसने किया डार्विन ने। उनके अनुसार पृथ्वी पर विद्यमान सजीव कमोबेश आपस में समानताएं तो रखते ही हैं, बल्कि वे करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों से भी समानताएं दर्शाते हैं, जिनमें बहुत से विलुप्त हो गए तथा उनके जीवाश्म के अध्ययन से जानकारी मिलती है। डार्विन ने क्या कहा कि पृथ्वी पर जो जीव विद्यमान है उनमें भी आपस में बहुत सारी समानताएं दिखाई देती हैं। साथ ही साथ क्या बताया उन्होंने कि जो करोड़ों वर्ष पूर्व भी जो जीवधारी थे उनमें भी इनसे आज के जीवों से समानताएं मिलती हैं। तो करोड़ों वर्ष वाले जीवधारी अब तो यहाँ मिल नहीं सकते, तो क्या करेंगे? तो उनसे जो जीवाश्म हमको प्राप्त हुआ पृथ्वी के अंदर, उन जीवाश्मों का जब हमने अध्ययन किया तब उन्होंने निकाला कि आपस में जीवधारी समानताएं रखते हैं। इस विकास क्रम में कई प्रजातियां विलुप्त हुई तथा कई विकसित हो गई। अब ये जो विकास का क्रम है ऐसा तो है नहीं कि सब साथ साथ चलें। हमने पहले समझा था कि पहले डायनासोर युग भी था, जो डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन आज तो नहीं है। तो ऐसे विकास के क्रम में बहुत सी ऐसी प्रजातियां भी थी जो समय के साथ विलुप्त होती गई, और कुछ ऐसी प्रजातियां भी थी जो समय के साथ विकसित होती गई, उनमें विविधताएं पैदा होती गई। जैसे पहले
जो घोड़ा था उसका विकास भी आज के जो घोड़े हैं उसमें काफी अंतर है, तो धीरे धीरे उनमें भी विकास होता गया। प्रत्येक जीवों तथा प्रजातियों में काफी भिन्नताएं व विविधताएं होती हैं जो उनमें परिवर्तनशील वातावरण, जलवायु, भोजन, भौतिक कारक आदि में जननक्षम एवं उपयुक्त बनाती हैं। डार्विन का कहना था कि प्राकृतिक चयन एक प्रक्रिया है जो उपयोगी, उपयुक्त एवं योग्यतम जीवों को चयनात्मक फायदा पहुंचाती है तथा ऐसे जीवों का अनुपात बढ़ता जाता है। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। डार्विन का सीधा सीधा एक का उनने क्या बोला कि प्रत्येक जीव वो जो प्रजातियां होती हैं उनमें क्या होती है, बहुत भिन्नताएं होती हैं, विविधताएं भी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जो वातावरण उनको जो मिलता है वो उसके हिसाब से सेट होते जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्राकृतिक चयन नेचर खुद सिलेक्ट करती है कि कौन सा जीव आगे बढ़ने या रहने योग्य है और कौन सा जीव खत्म होने योग्य है। तो प्राकृतिक चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आगे भविष्य में उपयोगी है, योग्यतम जो जीव है, जो योग्य है, जो सारे कठिन समय से निकल करके निकल जाएगा, तो योग्यतम जीवों को चयनात्मक फायदा पहुंचाती है और ऐसे जीवों का अनुपात बढ़ता जाता है। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां जैसे डायनासोर युग था, डायनासोर सारे खत्म हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जो आगे कंडीशंस पैदा हुई उसके हिसाब से वो फिट नहीं थे, इसलिए वो वहीं पर खत्म हो गए। कुछ जातियां ऐसी थी जो आगे विकसित होती गई और उन्होंने अपना, जैसे मनुष्य स्वयं इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से मिलता जुलता सिद्धांत एल्फ्रेड वेलेस ने भी दिया। उनका मानना था कि पृथ्वी पर उद्विकास एक क्रमबद्ध तरीके से हुआ तथा पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास एवं जीव वैज्ञानिक इतिहास में काफी सहसंबंध है। फिर देखें, पृथ्वी पर जीवों के उद्विकास के कई प्रमाण हैं। अब पृथ्वी पर कैसे पहले जीव कैसे थे, हमने तो और आपने तो देखे नहीं, तो कैसे पता चला? जैसे कि चट्टानों के अंदर जीवों के कठोर अंगों के अवशेष या जीवाश्म मिल जाना। जीवाश्म अधिकांश तलहटी चट्टानों में मिलते हैं। इस स्थान पर भिन्न भिन्न अवस्थाओं, युगों, अवधियों, काल के जीवाश्म विभिन्न तलछट स्तरों में पाए जाते हैं। इन तलछट चट्टानों की आयु पता करके उस स्थान पर पाए जाने वाले जीवाश्मों की भी आयु पता की जाती है। जीवाश्म अध्ययन से उद्विकास के प्रमाण मिलते हैं। जीवाश्म अध्ययन से यह पता चलता है कि समय समय पर पृथ्वी पर जीवन के रूप बदलते रहे हैं और कुछ विशेष रूप भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहे हैं। अलग अलग जीवों में अंग विशेष शारीरिक संरचना में मौलिक रूप से समानता दर्शाते हैं, परंतु अलग अलग परिवेशों में अनुकूलन के कारण वे अलग अलग कार्य करते हैं। इस अनुकूलन स्थापित करने के क्रम में जो भिन्नता आने लगती है, इस प्रक्रिया को अपसारी विकास कहते हैं तथा वैसे अंग समजाती अंग कहलाते हैं। इस घटना को समजातता कहते हैं। यह एक ही प्राणी के सदस्यों में अलग अलग विलगित पर्यावरणों में रहने के कारण उसमें अलग अलग दिशा में संचित परिवर्तनों के कारण होती है। इससे एक ही समूह के जीवों से अलग अलग प्रजातियां विकसित होती हैं। समजातंग तो हम सब बहुत अच्छे से कक्षा 10वीं में समझ चुके हैं। समजातता की विपरीत स्थिति तुल्य रूपता में पाई जाती है। यहाँ अलग अलग समूहों के जीव एक साथ रहते हैं तो उनके अंग या संरचना भिन्न होते हुए भी कैसे हैं, समान कार्य करती हैं तथा सामान्य कार्य के कारण इन अंगों या संरचनाओं में अनुरूपता दिखाई देने लगती है। जैसे कि पक्षी एवं तितली के पंख जो हैं, यहाँ पंच लिखा पंख कर लीजिए, एक समान दिखते हैं, पर ना तो इनके शरीर की रचना में कोई समानता है ना ही इनके पूर्वज परंपरा समान है, फिर भी अनुकूलन के कारण उनके कार्य एक जैसे हैं। इस प्रक्रिया को अभिसारी विकास कहा जाता है, क्योंकि तितली के पंख की जो संरचना है और पक्षी के पंख की जो संरचना वो बिल्कुल अलग है। पक्षी कहाँ वर्ग एवीज का है, तितली कहाँ ऑर्थोपोडा में आती है। तो इन सब में इनके अंग जो है वो एक सा कार्य करने लगे, इनको अभिसारी विकास कहते हैं। इसी प्रकार प्रोटीनों एवं जीनों की कार्य दक्षता की समानताएं, विविध जीवों की निश्चित क्रियाशीलता, जैव रासायनिक समानताएं आदि भी जीवों के बीच संरचनात्मक समानताओं के जैसे ही साझा पूर्वज परंपरा की ओर इशारा करती है।